हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर के मॉक टेस्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम कंप्यूटर की सभी क्लासेस और कंप्यूटर के दो मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। इन मॉक टेस्ट के माध्यम से हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार की मशीन है। मशीन का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट को देते हैं। तो ये इनपुट को इसमें जब देते हैं, इसके बाद इसके अंदर जो भी पार्ट है, इंटरनल जो पार्ट है, इंटरनल के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसका नाम है ALU। ALU जिसको हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होती है। ALU क्या करता है? ALU जितनी भी अर्थमेटिक प्रोसेस है उनको यहाँ पर प्रोसेस करता है। इसके अलावा जो लॉजिक है, लॉजिक यूनिट जो होता है वो लॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? यहाँ पर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको इस तरीके से सर्किट में कंट्रोल करता है। तो ये इनपुट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो इसका CPU मेन पार्ट हो गया वो इसको प्रोसेस करता है, यानी कि यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं हम इसको। और इसके बाद जब प्रोसेस कर लिया इसने डेटा, तो यहाँ पर क्या दिया? आउटपुट दिया। कंप्यूटर का यही काम होता है। आप कुछ भी काम करेंगे, इसी तीन प्रोसेस पर कंप्यूटर वर्क करेगा। आपने कुछ इनपुट दिया, उसके बाद इनपुट जाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग यूनिट में इनपुट जाएगा, वहाँ पर कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वो कुछ रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट के बाद वो आपको आउटपुट में उसका रिजल्ट शो कर देगा। तो कंप्यूटर में यही इसका प्रिंसिपल होता है, यही इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद सेकंड प्रोसेस उसमें प्रोसेसिंग की होती है, जो कि ALU और CU के माध्यम से होती है, जिसको CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और इसके बाद आपको फाइनली आउटपुट मिल जाता है। रिजल्ट में जो भी उसमें आपको प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा तैयार हुआ है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको आउटपुट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर का जो वर्क सिद्धांत हो गया, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, वो क्या क्या होता है? सबसे पहले इनपुट, सेकंड उसमें प्रोसेस, थर्ड उसमें आउटपुट। तो इन तीनों से मिलकर के ये कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर VIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाने हैं, तो एक क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ पर समझ लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर फुल फॉर्म से रिलेटेड 100% पूछा जाएगा। और ऐसा होता भी है कि एग्जाम में अगर आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से तो आना ही आना तय है यहाँ पर। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, BIOS, जिसको हम BIOS भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये BIOS करता क्या है। जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं ना, कंप्यूटर जैसे शट डाउन कर दिया आपने, शट डाउन करने के बाद फिर से आप कभी ओपन करेंगे उसे, तो ओपन करेगा तो कंप्यूटर का VIOS यानी कि BIOS ही एक्टिव होता है। और ये BIOS जो होता है, ये इसमें बिल्कुल इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है। इनबिल्ड का मतलब कि जब कंप्यूटर बना उसी टाइम पर इस BIOS वाले सॉफ्टवेयर को उसके अंदर इनबिल्ड कर दिया। और ये इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होता है, तो ये जैसे ही कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो ये पूरे कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर है उनको क्या करता है, एक प्रकार की टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग करने का मतलब क्या हुआ कि उसको चेक करता है कि सारी चीजें काम कर रही हैं, सभी तरीके से सॉफ्टवेयर जो भी हैं उसमें, जो भी आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, जो काम करते हैं वो सभी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर वो उसको चेक करता है, जिसको हम BIOS प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर BIOS होता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या होगा आपका? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये BIOS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस को सबसे पहले आपको जानना होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होते क्या है। जैसे आपका माउस है, तो माउस क्या है? एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस डिवाइस होता है। जैसे कि मान लीजिएगा ये माउस है आपका, तो माउस में आपका कर्सर होगा, ये कर्सर है, तो ये कर्सर क्या है, कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं आपको, कहीं पर भी इसको आप मूव करके इसको स्क्रीन के किसी भी पार्ट पर ले जा सकते हैं। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस हो गया एक प्रकार का।
ठीक वैसे ही आपका जॉयस्टिक भी होता है, जो कि आपका जॉयस्टिक एक बॉल की टाइप का होता है जिससे आप गेम वगैरह खेल सकते हैं। तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, और जॉयस्टिक जो होता है वो 360 डिग्री पर काम करता है। तो ये 360 का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक बॉल होती है, ऊपर की ओर बॉल सी लगी हुई होती है, उसको आप पकड़ करके इसको इस तरीके से 360 कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका ऑप्टिक पेन। ऑप्टिक पेन क्या होता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पेन टैब होता है, पेन टैब पे क्या करते हैं हम लिखते हैं कुछ भी पेन के माध्यम से, जो कि सेंसिटिव पेन होता है। तो जो भी हम पेन टैब पे लिखते हैं वो पेन टैब से क्या होता है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो ये एक प्रकार का ऑप्टिक पेन टाइप ही होता है, वो सेंस करता है उसको। तो ये क्या है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे आप इसका पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, जॉयस्टिक भी हो गया, इसके अलावा आपका ऑप्टिक पेन भी हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑप्शन डी देख रहे हैं, जो कि स्कैनर है। तो ये स्कैनर क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, और ये किसी भी प्रकार की आपकी पॉइंटिंग डिवाइस जैसी इसमें कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका, यहाँ पर पूछा है नहीं है पूछा है, तो नहीं के लिए क्या आंसर होगा, डी स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर कौन सा डेटा, यहाँ पर जो डेटा है वो बिल्कुल एकदम सही रहता है, सुरक्षित रहता है और स्थायी रहता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइल को सेव कर, यानी कि फाइल को सेव कर दिया है आपने, और फिर सेव करने के बाद आप अगर कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं तो डेटा आपका सुरक्षित रहता है, और ये डेटा कहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इस तरीके से। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में आपकी एक रैम होती है। रैम में क्या होता है कि डेटा को आप क्या कर सकते हैं, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, जो कि डेटा को रैंडमली एक्सेस कर रही होती है। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होते हैं आपके प्रोग्राम पहले से जो डेटा होता है प्रोग्राम को वो लिखा हुआ होता है और उसको केवल रीड किया जा सकता है। तो रैम जो होता है ना, वो रैम क्या करता है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन रहता है उस टाइम पर इसमें डेटा स्टोर बना रहता है। जैसे ही आपने डेटा जो कंप्यूटर है उसकी पावर सप्लाई को बंद किया, या पावर जो आपका कंप्यूटर है उसको शट डाउन किया, तो रैम में से डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, यानी कि उसमें से डेटा डिलीट हो गया। ये तो रैम की बात हुई। लेकिन अगर आपने क्या किया, कोई भी फाइल बनाई, जैसे आपने कोई एमएस वर्ड पर डॉक्यूमेंट बनाया, या फिर आपने पीपीटी बनाई, या फिर एक्सेल बनाई, जैसे मैं मान लीजिएगा मैंने यही पीपीटी बनाई जो अभी आपको दिख रही है जिसपे आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये पीपीटी जब मैंने बनाई, तो बनाने के बाद क्या किया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने का मतलब यह हुआ कि मैंने इसको सुरक्षित किया, कहीं पर रखा इसको, मेमोरी में सुरक्षित किया। तो ये किस मेमोरी में सुरक्षित होता है, तो ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई तो उसमें ये सुरक्षित होकर के रखा हुआ होता है, उसके बाद इसको जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं ये तब तक डिलीट ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, चाहे आप कंप्यूटर को बंद कर दें, चालू कर दें, या कुछ भी कर दें। अगर आपने एक बार सेव करके रख लिया तो फिर वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसे डिलीट नहीं कर रहे हैं, या फिर इसमें किसी ऐसा प्रकार का फॉल्ट आ जाए। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर कि बिट क्या होता है, बिट आपके बारे में पूछा है कि बिट क्या होता है। बिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिट क्या है कि एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। यूनिट का मतलब क्या हो गया कि यूनिट क्या चीज है, तो जैसे मान लीजिएगा आप कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए कोई मिनट यूनिट की जरूरत होती है ना। जैसे मान लीजिएगा आप वस्तु को वजन को मेजर कर रहे हैं, जैसे कोई भी वस्तु लाते हैं आप, कोई भी घर पर जैसे सामान वगैरह लाते हैं, और कुछ भी लाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, तो उसको आप कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। अगर आप किलोग्राम को ही, इसकी बात करूं मैं कि इसकी छोटी यूनिट क्या होती है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो वो ग्राम होती है, क्योंकि ग्राम से ही मिलकर के किलोग्राम होता है। फिर किलोग्राम से आपका फिर उसके अलावा आप और आगे की यूनिट बना पाते हैं, जैसे टन क्विंटल हो गया, फिर उसके बाद टन हो गया, फिर उसके बाद मेगा गीगा इस तरीके से आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बिट के बारे में पूछा गया है कि बिट क्या होती है, तो बिट जो है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि इससे छोटी यूनिट हो ही नहीं पाती है, इससे छोटी यूनिट होती ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 8 बिट, ये ध्यान रखना आप, 8 बिट, BIT, ध्यान रखना इस स्पेलिंग को, BIT, बिट बराबर होता है आपका 1 वाइट। बाइट अलग चीज है, VYTE, VYTE।
ये एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। जैसे फिर 1 बाइट के बाद आपके 1024 बाइट जो जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं आपके, अगर 1024 बाइट हो गए तो वो बना देते हैं आपके 1 किलोबाइट को, 1 KB, यानी कि 1 KB। और जब आपका 1 KB ज्यादा हो जाता है, कितने का, 1024 1 KB हो जाता है, तो वो बन जाता है आपका 1 MB, यानी कि इसको हम मेगावाइट कहते हैं, MB। ये हो जाएगा आपका किलोबाइट, ये हो जाएगा आपका मेगावाइट। इसके बाद अगर आप और 1024 मेगाबाइट कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका 1 GB, यानी कि 1 GB। इसी प्रकार से और ज्यादा करते हैं तो फिर आगे चलता जाता है, TB में हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट की बात की गई है, तो बिट होती है, यानी कि ये 8 बिट जो होती है ना, वो 1 बाइट के बराबर होती है। इसी प्रकार के एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, वो होता है क्या कि 4 बिट बराबर क्या होता है, ये निबल होता है। 4 बिट यहाँ पर, जो इसको हम हाफ बाइट भी कह सकते हैं, ध्यान रखना ये बाइट की बोल रहा हूँ मैं, बिट अलग चीज है, बाइट अलग चीज है, ठीक है। तो 4 बिट अगर मिल जाए तो वो क्या बनेगा आपका, एक निबल बनेगा, NIBBLE, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका एक निबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना, क्योंकि हो सकता है ये चीजें तो सबको याद रहती हैं पर ये निबल वाला पॉइंट याद नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो वो 4 बिट के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन आए कि 1 बिट कितने, सॉरी 1 बाइट कितने बिट के बराबर है, तो वो होता है 8 बिट के। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है। इंटरनेट पर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट चलाने के लिए इसके लिए एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है नियमों का समूह। नियमों का समूह का मतलब कि कोई चीज किस तरीके से चलेगी, यानी कि उसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब कि उसमें एक स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ रैंडमली हो जाए, ऐसा नहीं है, उसमें नियमबद्ध तरीके से होती हैं सारी चीजें, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात की है, इंटरनेट पर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, यानी कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो इंटरनेट फॉलो करता है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल को। इसको फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ट्रांसफर, सॉरी यहाँ पर आपको जो TCP/IP प्रोटोकॉल है वो इसको याद रखना है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा दो तीन और यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं आप, जो कि HTML है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर HTTP है, जो कि URL का प्रोटोकॉल होता है, वेबसाइट के लिए ये प्रोटोकॉल होता है, ये इंटरनेट के बारे में पूछा गया है। तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा जावा क्या होता है, तो जावा एक लैंग्वेज होती है। और TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो यहां पर आपको क्या रखना है, TCP/IP, ये IC नहीं है, IP है, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना, यहां पर IP है नॉट IC, ठीक है। तो इस तरीके से सभी के आप यहाँ पर लिख सकते हैं, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है, और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है TCP/IP का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल क्या कहलाते हैं। जंक का मतलब क्या हुआ, जंक मतलब कि खराब चीज जो कि सही नहीं है, उपयोगी नहीं है। तो आपने देखा होगा आपके ईमेल बॉक्स में बहुत सारे ऐसे मैसेज मेल आते हैं जो कि आपके काम के नहीं होते हैं, या तो एडवर्टीजमेंट होता है या कोई स्पैमिंग टाइप का होता है। तो ये जंक ईमेल होता है, एक ऑप्शन अलग से आपको बना के देता है ईमेल में, जो आपकी कंपनी है, जैसे कि गूगल का अगर आप यूज कर रहे हैं, जीमेल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको फोल्डर मिलते हैं, जैसे कि इनबॉक्स हो गया, फिर आउटबॉक्स हो गया, फिर ड्राफ्ट हो गया, इस तरीके से। तो एक ऑप्शन वहां पर ये भी होता है, स्पैम का ऑप्शन होता है। तो स्पैम में वो ईमेल रखे जाते हैं जो कि जंक ईमेल होते हैं, जो कि कम उसको गूगल का सॉफ्टवेयर सेंस कर लेता है कि ये जंक ईमेल है, यानी कि ये काम का नहीं है, खराब ईमेल है, तो वो स्पैमिंग में डाल देता है, स्पैम में इसको रख देता है। तो ये जंक ईमेल क्या कहते हैं, स्पैम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुनते हैं। प्रिंट करना है आपको डॉक्यूमेंट, तो आप कौन सा मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। अब ये मेन्यू किसके लिए पूछा गया है, तो ये आपके एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, या फिर आपके जितने भी एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस आउटलुक हो गया, तो ये उनके लिए पूछा गया है कि अगर हमें कौन
कोई डॉक्यूमेंट बना लिया हमने एमएस वर्ड पे मान लीजिएगा, तो उसको अगर प्रिंट करना है तो फिर हमें कहाँ पर वो प्रिंट वाला ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो वो ऑप्शन मिलता है आपको कहाँ पर, फाइल में मिलता है। ये मैंने चीज़ आपको थ्योरी में अच्छे से बताई है, विद पिक्चर्स भी बताई है। यहाँ पर आप थ्योरी के लिए क्लास देख सकते हैं, प्रिंट आपको ये थ्योरी की जो क्लास है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। तो प्रिंट आप कैसे कर सकते हैं, प्रिंट के लिए आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपको ये एक रिबन दिख रहा है। रिबन का मतलब यहाँ पर ये मेन्यू दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पॉइंट अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कि ये फाइल हो गया, ये होम हो गया, ये इंसर्ट हो गया, डिजाइन ट्रांसलेशंस हो गया, सॉरी ट्रांजिशंस हो गया, एनिमेशंस हो गया, स्लाइड शो हो गया, रिव्यू व्यू। तो मैं ये पीपीटी का ही जो है तो इसका स्क्रीनशॉट ले आया ताकि आपको ये समझ में आ पाए, ठीक है। तो जैसे अब आपको प्रिंट करना है, मैंने ये पीपीटी बना ली, अब इसी प्रिंट को पीपीटी को मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने ये सब चीजें खुल के आ जाएंगी, इतनी सारी चीजें खुल जाएंगी। तो आप इसी में क्या कर पाएंगे, फाइल में आप सेव भी कर पाएंगे, सेव एज भी कर पाएंगे, फाइल को ओपन भी कर पाएंगे, फाइल को क्लोज भी कर पाएंगे, और इसके अलावा यहां पर आप प्रिंट भी कर पाएंगे, प्रिंट का भी ऑप्शन होता है। तो प्रिंट ऑप्शन कहां होता है आपका, फाइल में होता है, ठीक है। होम में क्या होता है, होम में बाकी के टूल्स होते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में आप बहुत सारी चीजों को इंसर्ट करने के लिए, जिनको मैंने आपको एमएस ऑफिस में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इसके बाद है इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो एमएस ऑफिस का पैकेज प्रोग्राम आपको बताना है। और एमएस ऑफिस में जो है अधिकतर हम पांच प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, एमएस वर्ड होता है, इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट होता है जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, इसके अलावा हमारा एमएस एक्सेल होता है जिसमें हम बहुत सारी एक्सेल फाइल वगैरह बना पाते हैं, इसके अलावा हमारा एक एमएस एक्सेस होता है, और इसके अलावा एक होता है हमारा एमएस आउटलुक। होते तो और भी बहुत सारे हैं, पर ये पांच प्रकार के बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कहीं पर भी यूज़ होना होता है, ठीक है। तो ये पांच प्रकार के होते हैं, तो ये अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है आपके ऑप्शन में, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है ये, और एमएस एक्सेस भी है। लेकिन आपका वर्ड पैड जो होता है वो वर्ड पैड एमएस ऑफिस का जो है पैकेज नहीं होता है, ये अलग से होता है, ठीक है। तो ये वर्ड पैड अलग होता है, ध्यान रखना, एमएस वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना। एमएस वर्ड के तो ऑलरेडी एमएस लिखा हुआ है पहले से, पर ये वर्ड पैड एक प्रकार का छोटा सा नोट पैड होता है जिसमें आप बाकी की डिटेल्स को थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है, ये अलग से होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयनित शब्द को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि आपके पास क्या है, कोई वर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये बोल्ड वाला वर्ड ही है, मैंने यहाँ पर माउस रखा और माउस रखने के बाद मैंने इसको पूरा ऐसा सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की क्या करती है, हमारे काम को आसान करती हैं और बहुत जल्दी फास्ट हमें स्पीड भी देती हैं ताकि हम जल्दी से काम कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है Ctrl+V, यानी कि हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ में जो हमारे कीबोर्ड में बी लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट वाला बी है, उसको प्रेस कर देंगे, तो ये सिलेक्टिव वर्ड जो है वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अच्छे से दिखेगा आपको, बोल्ड लेटर में दिखेगा, तो ये होता है इसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर Ctrl+C है, इसका क्या काम होता है, तो ये किसी भी आपकी लाइन को कुछ भी सिलेक्ट आपने कर लिया, जैसे मान लीजिएगा इतना सिलेक्ट कर लिया या कोई एक ही वर्ड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसको कॉपी करना है, तो फिर आप Ctrl+C का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सी जो है उसमें लिखा हुआ है Ctrl+V, Ctrl+V का उपयोग क्या होता है कि जो भी आपका सेलेक्टिव वर्ड होता है उसको आपने पहले से जहाँ से कॉपी किया हुआ है कहीं पर दूसरी जगह अगर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट का मतलब उसी को ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं, तो आप पेस्ट कर सकते हैं, तो पेस्ट से वही ज्यों का त्यों उसी में लिख जाता है। इसके बाद Ctrl+O है, Ctrl+O का काम क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O को आप प्रेस करिएगा, Ctrl+O को, तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यही आपके यहाँ पर आज हमने मॉक टेस्ट 3 को कंप्लीट किया है। इसी तरीके के आगे भी मॉक टेस्ट हमारे चलते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।